जय श्री राम, जय श्री सूरी जी, जय श्री मिथिला। हम बाल व्यास राजीव कुमार निराला जी अब समस्त श्रोता भगवान के समक्ष हमारे जो सुंदर सुंदर राम विवाह, शिव विवाह और सुंदर कांड के कार्यक्रम आप लोगों के बीच दिखाया जा रहा है। हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं और ऐसी तरह मेरा वीडियो आपके बीच आता रहेगा। जय श्री राम, जय श्री सूरी जी, जय श्री मिथिला जी। प्रवेश किए हनुमान जी महाराज, चारों तरफ देखते हैं, बड़े बड़े दैत दानवा पहरा दे रहे हैं। उसी बीच हनुमान जी महाराज को मुलाकात भीष्म जी महाराज से हुआ। भीष्म जी महाराज से जब मुलाकात हुआ भीष्म जी हनुमान जी महाराज मित्रता होता है। भीष्म जी सारी कथा को सुनाते हैं कि हनुमान कहो मेरी माता जानकी कहाँ है। हनुमान जी महाराज विलाप करते हैं कि भीष्म जी कहो मेरी माता जानकी कहाँ है। भीष्म जी रोते बिलखते हुए विलाप करते हैं कि हनुमान जहां लंका में एक अशोक वृक्ष है उसी वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी है। हनुमान जी भीष्म जी से पूछे कि हे भीष्म जी महाराज, आप सबसे पहले मुझे बताइए क्या तो सब के सब यहाँ तो सबके सब रावण को भजने वाला है, पर आप इस लंका में भी रहकर भगवान राम का नाम भजते हैं। कहो आप लंका में किस प्रकार से रहते हो। भीष्म जी रोने लगते हैं, कहते हैं कि हनुमान कि सुना हूं बाबा ने सुते आर रहनी हमारी जीवी दस महू जीभ बिचारी। हे हनुमान, जिस प्रकार से समस्त दांतों के बीच एक छोटी सी जीव की बात होती है, मैं लंका में उसी प्रकार से रहता हूँ। भीष्म जी रोते हैं और विलाप करते हैं कि न जाने मेरे प्रभु कब आएंगे। कि नाथ आर राखी ली नाथ राखी ली नया पना सरनिया में हो सरनिया में कि मन मा लगल बाट रूए भजनिया बाट रहे भजनिया में। नाद राखिल नया पना नाद राखिल नया पना सरनिया में हो सरनिया में
महाराज रोलो करके विलाप करते हैं, कहते हैं कि हे हनुमान न जाने राघवेंद्र सरकार कब आएंगे। नाथ राखिल नया पना, राखिल नया पना। हनुमान जी महाराज से विलाप करते हैं भीषण जी के, हनुमान न जाने मेरे प्रभु जी कब आएंगे। I'm gonna make it right।